वीवो Y75 5G में हमें देखने को मिला है एक बीटा अपडेट 5GB का। अब बीटा अपडेट कम्स विद सम बग्स, क्योंकि उसी लिए वो बीटा है, क्योंकि वो टेस्टिंग पर्पस में है। ओके, इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टच जो फिंगरप्रिंट सेंसर है हमारा, टच करते ओपन हो जाता है, क्लिक करते ओपन हो जाता है, जो फिंगरप्रिंट है हमारा साइड माउंटेड एमोलेड डिस्प्ले ना होने की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो वीडियो को आप देखिए, आपको पता लग जाएगा कैसा प्रॉब्लम है और क्या कर सकते हो, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अगर आपके पास ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, इन केस आपके पास कोई और एंड्रॉइड डिवाइस है उसमें भी आ रहा है, तब भी ये वाला सॉल्यूशन जो है वो एप्लीकेबल है। तो वीडियो को आगे देखते रहो गाइस। अभी प्रॉब्लम देखो, ये फिंगरप्रिंट सेंसर है, ओके, ये भी वो Y75 5G है, ओके। तो ये फिंगरप्रिंट सेंसर में अगर मैं आप फिंगरप्रिंट डाल रहा हूँ, ओके, ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा है। अब ये वाला फिंगर भी है, ये वाला फिंगर भी है, देखा मतलब तीन चार बार पांच बार करने के बाद एक बार जाके ये हुआ, ओके। अगर आप देखेंगे अभी थोड़ा सा हो रहा है, तो केस ये है कि मैंने देखा कि दो तीन बार चार बार करने के बाद जाके ये जो फिंगर भी नहीं वर्क कर रहा है। अभी कुछ कुछ केस में मैंने ये भी नोटिस किया कि ये थोड़ा लैग भी कर रहा है, मतलब ये फिंगर टच करने के बाद लिटरली, हाँ अभी थोड़ा काम कर रहा है, फिंगर टच करने के बाद लाइक 2-3 सेकेंड्स बाद लैप जो मोबाइल का लॉक स्क्रीन है वो जाके ऑन हो रहा है। एंड कुछ केस में ये वाला फिंगर तो ले ही नहीं रहा था, एंड इस वाला फिंगर भी नहीं ले रहा था, ये वाला फिंगर भी लास्ट में नहीं ले रहा था। मुझे लगा कि क्या हो गया, मैंने पिन से अनलॉक किया, एंड आफ्टर दैट मैंने चेक किया कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर आपके साथ ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है वीवो Y75 5G में आफ्टर अपडेटिंग द बीटा, और अगर आपके पास वैसे ही ये वाला प्रॉब्लम है, तो आप लोग एक काम कर सकते, सबसे पहले फ़ोन को रिस्टार्ट करिए, पावर ऑफ करके ऑन करिए, दैट इज़ द मोस्ट नॉर्मल सॉल्यूशन जो कि हर एक केस में करना चाहिए। तो रिस्टार्ट करने के बाद सॉल्यूशन हो जा सकता है। आप मैंने क्या किया, रिस्टार्ट करने के बाद मैंने देखा कि उसके बाद 5-10 बार 15 बार मैंने ऑन किया, कोई इशू नहीं आया, ऑन किया ऑफ किया कोई इशू। अचानक से लाइक 1-2 आवर्स बाद, 1-2 घंटा बाद मैंने देखा कि वो वाला डिलेड अब वापस चालू हो गया है। गाइस ये एक बीटा अपडेट है, इसमें ये वाला प्रॉब्लम हो ही सकता है। तो एक तो रिस्टार्ट है, रिस्टार्ट करने के बाद अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ, नंबर सेकेंड सॉल्यूशन जो है आपका जो फिंगरप्रिंट है, मतलब फिंगर्स एडेड है, अगर आप लोग यहाँ पे सिक्योरिटी में जाओगे, अगर आपके पास एंड्रॉइड 13 है तो है भी नहीं है, कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी में जाओगे तो सिक्योरिटी में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा फिंगरप्रिंट। तो मतलब यहाँ पे सब कुछ जो है फिंगरप्रिंट रिलेटेड सब कुछ किया, देखिए दो फिंगरप्रिंट। अब फिंगरप्रिंट अगर दोगे तो आपको यहाँ पे आपका जो पिन है वो देना पड़ेगा, तो पिन देने के बाद ही जाके आपका बेसिकली ये ऑन होगा, ठीक है। अब फिंगरप्रिंट जब पिन दोगे तब जाके ये ऑन होगा, एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा एंड यहाँ से उसको एंटर करना पड़ेगा। तो ये अगर आप करते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये ठीक हो जाएगा। अब मैं आप बोल रहे हो कि तुमने ट्राई क्यों नहीं किया, अब आप बोल ही सकते हो, मैंने इसीलिए ट्राई नहीं किया कि फिंगरप्रिंट के वजह से मेरा काफ़ी वर्क में हैम्पर हो सकता है, क्योंकि मेरे पास वर्क प्रोफाइल है। अब वर्क प्रोफाइल रहने से क्या होता है, वर्क प्रोफाइल में स्मार्ट और लॉक जो कि एनेबल नहीं किया हुआ है, मेरे दोनों मतलब वर्क प्रोफाइल में एंड पर्सनल प्रोफाइल में अलग अलग फिंगरप्रिंट दिया हुआ है। तो अगर मैं हटा दूंगा तो वर्क प्रोफाइल वाला भी डिलीट हो जाएगा, एंड उससे क्या होगा, मेरा वर्क में बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाएगा, तो मैं इसे डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे चल रहा है चलने देते। आप लोग के पास अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम या मजबूरी नहीं है तो आप फिंगरप्रिंट को पहले रिमूव करिए, नया से फिंगरप्रिंट को अनलॉक करिए, एंड ट्राई करिए कुछ दूसरा फिंगर भी देने का। और जैसे कि नॉर्मल वाला चेक कर लेते, अपना फिंगर वगैरह चेक कर लीजिए कि फिंगर में कुछ इशू है कि नहीं, जैसे कि नॉर्मली चेक किया जाता है। तो ये सब करने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। अभी वीडियो खत्म तो होने जा रहा है, पर ये बात तो बताओ कि आप लोगों में से किसी को ये फिंगरप्रिंट वाला इशू फेस हुआ है क्या? वीवो Y75 5G में मुझे हो रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, प्रॉब्लम भी आप लोगों को दिखा दिया। अभी आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में आपको हुआ कि नहीं, अगर हुआ तो ये वाला करने के बाद सॉल्यूशन भी हुआ कि नहीं वो भी बता दो। सब कुछ के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो ताकि एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया मिल जाए, नीचे भी बाकी लोगों का भी हेल्प हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा वीडियो अगर आप देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो। गुड बाय।